उस समय तो खैर जब मैंने शुरू किया था उस समय तो जो हमारा ऑर्गेनिक हमारे हमें घर में सब्जी अपनी मिलेगी और ना घर का अनाज मिलेगा और रोजगार आने वाले समय में रोजगार भी मिलेगा। इस वजह से मैंने वहाँ छोड़ के इधर शुरू किया फिर इस काम। सपना ललित मोहन का था और उसे पूरा करने के लिए राह दिखाने वालों की कमी नहीं आई। ये हमको वहाँ से सगंध पौधा केंद्र से विजय बोमला जी हमारे इसके वो है जिला प्रभारी है, ये इन्होंने बताया मेरे को, ये जोशी मठ का वो दिखाया मेरे को उन्होंने, उस समय हमारे देहरादून में वो भी कराया था तो उन्होंने बताया था कि इसका तेल बनता है, तेल इसका इतना महंगा होता है और गुलाब जल की अच्छी वो है, आप अगर आपके वहाँ पर अच्छा वो है गुलाब का ये वो हो सकता है जो जहाँ पर जाती है तो उसको शुरू किया था मैंने, करीब 20 नाली से शुरू किया था। तब मैंने एकदम गुलाब इसमें लगा, गुलाब और तेज पत्ता लगाया था मैंने शुरुआती साल की अपनी मेहनत करी जी लगभग 2-3 साल लगातार इसमें। फिर इसकी नर्सरी बनानी सिखाई उन्होंने हमको, नर्सरी पर हम मैंने फोकस किया पूरा। आज हमारा जो पहले पौधा बाहर से आता था आज हम यहीं से उसको देते हैं तो यहाँ का पौधा यहीं जल्दी लग जाता है। पहले हमारे पास जूही मर्जी पंतनगर से बाहर से पौधे आते थे तो मैंने इस पर फिर हो गया तो फिर धीरे धीरे इसी से आए मेरे को आनी शुरू हो गई थी। इसमें से थोड़ा पैसा मिला, थोड़ा पहले साल मैंने 5,000 रुपये मेरे को बड़ा उत्साह मिला उस 5,000 का नर्सरी दी थी। दूसरे साल मैंने 30,000 की नर्सरी बना दी सीधे, फिर इस बार और ज्यादा बढ़ी। फिर तो सिलसिला चल पड़ा, सरकारी तंत्र का भी पूरा सहयोग मिला, बस मेहनत नहीं छूटी। जो लोग कहते हैं कि सरकार हेल्प नहीं करती सर, इसके बारे में मेरा थोड़ा सा ये कहना है कि जब ऐसा होता है सरकार पहले भी हेल्प कर रही थी लेकिन हम लोग काम नहीं करते थे तो उन्होंने बहुत छोड़ दिया। तो अब ऐसा है जब मेरे को पूरा सपोर्ट पहले चाहे कम दिया लेकिन जैसे कि मैंने आज पूरी सरकार मेरी हर तरह से हेल्प करती है मेरे को। सिर्फ जैसे मैं आरबीआई मेरे को कोई दिक्कत आती है मैं आरबीआई उनसे लेकिन उनसे भी कहता हूँ वो भी करते हैं लेकिन इससे पहले हमारे जैसे चाहे ये ब्लॉक से हो जिले से हो यहाँ से हमारे काम मेरे वो हो जाते हैं और सब लोगों को भी ये भी समझ में आता है कि हम काम करेंगे तो सरकार हमारी जरूर हेल्प करेगी, वो लोगों के समझ में भी आ रहा है। 2017-18 में जब सगंध पौधा केंद्र पैप के जिला प्रभारी जी यहाँ पर आए तो उन्होंने बताया इसके बारे में कि गुलाब की खेती करो, आप बहुत जमीन है आपके पास तो इससे आपको फायदा मिलेगा। तो धीरे धीरे हमने बहुत कम से इसे स्टार्ट किया था तो पहले साल तो ऐसा लगा कि होगा कभी गुलाब खिलेंगे, मतलब मायूसी टाइप की हो गई। तो उन्होंने बहुत भरोसा दिलाया, मतलब बार बार आए, उन्होंने कहा जैसे एक बच्चे का पालन आप करते हो उसी तरह खेती में भी होता है, टाइम लगता है लेकिन इसकी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो धीरे धीरे हमने इसको बढ़ाया, जब हमें इसका थोड़ा थोड़ा करके अनुभव होने लगा तो उन्होंने बताया कि आप इस एक साल के पौधे हो गए आप इसकी नर्सरी तैयार कीजिए। तो हमने नर्सरी बनाई, उतना अनुभव नहीं था, हमने जितने पौधे हमने गोड़ाई की तो वो उखड़ते रहे पौधे, तो वही रोपाई करके वो पौधे ख़त्म होते गए, कम ही लगे मतलब पहले साल में। तो फिर बंजर, बिल्कुल बंजर भूमि में घास ही घास थी यहाँ पर, तो उसमें हमने पौधे लगाए थे तो पौधे एकदम ग्रोथ नहीं कर पाए क्योंकि घास की जड़ें लग जाती थी। तो सर ने बताया आप ऐसा कीजिए कहीं